का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज का विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन है क्या? आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं और उस कहानी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस कहानी में हमें इंटरेस्ट आने लगता है, और जब उसमें हम पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो वो जो कहानी जो है एक फिल्म की शक्ल में हमारे दिमाग में चलने लगती है। उसमें होने वाली घटनाएं, उसमें कहानी में जो भी किरदार है, वो उसमें जो भी चीज़ें हैं, वो सब हमें अपने दिमाग में, हमारे माइंड में उनका विजुअल बनता है, एक फिल्म जैसी हमारे दिमाग में चल रही है, और इसी चीज को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। और फिल्म क्या है? फिल्म एक्चुअल में डायरेक्टर का विजुअलाइजेशन होता है। डायरेक्टर एक कहानी को पढ़ता है, उसको विजुअलाइज करता है, माइंड में वो इमेज बनती है, वो फिल्म उसके माइंड में बनती है, फिर उस फिल्म को वो शूट करके पर्दे पे लेकर आता है। तो पर्दे पे जो फिल्म आप लोग देखते हैं, हम लोग जो भी पर्दे पे जो फिल्म देखते हैं, वो एक्चुअल में डायरेक्टर ने पहले अपने माइंड में देखी होती है, उसने माइंड में अपने विजुअलाइज किया होता है उस चीज़। वो डायरेक्टर स्क्रिप्ट को पढ़ता है, उसमें कौन से आर्टिस्ट काम करेंगे, कौन सी लोकेशन है, क्या क्या उसमें होने वाला है, उन सब चीज़ों के हिसाब से उसको वो विजुअलाइज करता है। फिर उस विजुअलाइजेशन को के हिसाब से चीज़ें अरेंज की जाती हैं, फिर उसको शूट किया जाता है, और फिर उस फिल्म को पर्दे पे लाया जाता है। तो और वो जो फिल्म होती है, वो एक्चुअल में डायरेक्टर का माइंड का विजुअलाइजेशन ही होता है। अब एक्टर के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? अब एक्टर के लिए विजुअलाइजेशन कैसे ज़रूरी है, या उससे उसको क्या फ़ायदा हो सकता है? अगर हम विजुअलाइज करते हैं, ऐसे एन एक्टर स्टोरी को या स्क्रिप्ट को हम विजुलाइज करते हैं, तो हमें चीज़ें क्लियर माइंड में दिखने लग जाती हैं, एक रेफरेंस हमें मिल जाता है, और उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें परफॉर्म करने में, मूव करने में, चीज़ों को समझने में आसानी होती है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई नया एक्टर आता है जिसने कुछ काम नहीं किया, कुछ सीखा नहीं है, और वो काम के लिए आता है, और हम उससे कहते हैं कि यार आप कुछ करके दिखा दो, तो बोलता है कि ठीक है सर, कोई डायलॉग दे दो, कोई स्क्रिप्ट दे दो। जब उसको स्क्रिप्ट दी जाती है तो उसको समझ में नहीं आता क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर वो पूछेगा कि सर इसको कैसे करना है, थोड़ा करके दिखा दीजिए। फिर जब उसको हम करके दिखाते हैं, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करने की कोशिश करता है। मीन्स जो उसने परफॉर्मेंस देखी, वो एक रेफरेंस उसको मिल जाता है, उसे समझ में आता है कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे हो सकती है, या इसे ऐसे किया जाएगा। तो एक्टर जब विजुलाइज करता है, तो उसको एक वो रेफरेंस अपने माइंड में मिल जाता है, वो चीज़ दिख जाती है। सपोज उसका अपना कैरेक्टर भी अपने विजुअल में उसको दिखता है, कि उसको ये पता चलता है कि ये मेरा जो कैरेक्टर है, ये किस तरह से बोलेगा, किस तरह से चलेगा, और उन विजुअल्स के अकॉर्डिंग उसको एक रेफरेंस मिल जाता है, और उस रेफरेंस को लेकर फिर आगे परफॉर्म करने में आसानी होती है। तो अभी हम अपने एक्टर्स के साथ देखेंगे कि वो कैसे विजुलाइज करते हैं। हम क्या करेंगे कि हम उन्हें कुछ सिचुएशंस नरेट करेंगे, जिसको वो लोग आंख बंद करके सुनेंगे और उसको विजुलाइज करेंगे, और उसके बाद हम उनसे ये पूछेंगे कि उन्हें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने विजुलाइज किया, उसमें क्या चीज़ कहाँ पे कैसे दिखाई देगी, और जिसका वो लोग आंख बंद करके ही हमें जवाब देंगे कि उन्हें कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे दिखाई देगी। हाँ शिवम। यस सर। अभी हम ये विजुलाइजेशन के ऊपर एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट एक करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको एक सिचुएशन नरेट करूँगा, आपने आँख बंद करके उस सिचुएशन को सुनना है, इमेजिन करना है, और जो जो मैं उसमें बताऊँगा, जो जो बोलूँगा, उन चीज़ों को क्लियरली अपने माइंड में विजुलाइज करके देखना है, ठीक है। उसके बाद आँख बंद किए हुए मैं आपसे पूछूँगा आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे दिखाई दे रही है, तो आपको एक एक चीज़ बतानी है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे दिखाई दे। आप एक रेगिस्तान में रास्ता भटक गए, कड़कती धूप, सूरज एकदम सर के ऊपर है, बहुत तेज़ गर्मी है, कुछ लोग ऊँटों पे बैठ के जा रहे हैं कहीं, कुछ औरतें कहीं दूर से पानी भर के सर पे रख के पानी और लेके जा रही हैं, आपके सर के ऊपर चील और गिद्ध मंडरा रहे हैं, और प्यास के मारे आपकी हालत ख़राब है, आप इधर उधर देखते हो कुछ नज़र नहीं आता, बस आपको दिख रहा है कि ये जो औरतें जा रही शायद इनसे ही कुछ पानी पीने को मिल जाए, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली? आप सब चीज़ों की पोजीशन और क्या कैसे दिखाई दे रहा है वो आप बताओ मुझे। सर मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ औरतें पानी भर के ले जा रही है,
और बहुत ज़्यादा तेज़ सूरज, बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा। और मेरी प्यास इतनी ज़्यादा है कि मेरे को पानी दिख रहा है कि औरतें यहाँ पे ले जा रही है, यहाँ पे ऊँट जा रहे हैं, यहाँ पे ऊँट जा रहे हैं, मेरे सिर के ऊपर चील और गिद्ध घूम रहे हैं, और यहाँ पे धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा, जो कि मेरे हर जगह पूरे बॉडी कानों में घुस रही है बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ बिल्कुल, धूप इतनी तेज़ है, ऊपर से मुझे प्यास लग रही है बहुत, यहाँ पे ऊट जा रहे हैं सर। तो शिवम यस सर, कैसा फील हुआ, क्या दिख रहा था, कैसे कैसे दिख रहा था? मतलब सर मैं बिल्कुल वहाँ पहुँच चुका था उस जगह पे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रेगिस्तान में खड़ा हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा, इतना तेज़ धूप थी कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, और मैं देख रहा था कि यहाँ पे कुछ ऊँट जा रहे थे, तीन ऊँट दिखाई दिए मुझे, मैंने जो सोचा, जो विजुलाइज किया उसमें मुझे तीन ऊँट दिखाई दिए, और बहुत धूल पूरा, मतलब मेरे बाल, मेरे फेस, कान, नाक, हर जगह पूरी धूल चली गई है, और मैं देख रहा हूँ ऊपर आवाज़ आ रही है, वो गिद्ध और चील घूम रहे मेरे सिर के ऊपर, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जमीन पे घुटनों के बल गिर चुका हूँ। तो सर बस यही सब कुछ मैंने विजुलाइज किया। विजुलाइज करते हैं तो फीलिंग भी आती है अपने, yes, है ना, लगने लग जाता है कि उसी हाँ, जगह लगने लगता है आप उस सिचुएशन में हो। yes, हाँ शाकिर, सिचुएशन ये है कि तुम बस स्टैंड पे खड़े हो, बस का इंतजार कर रहे हो, और बसें आ रही हैं एक के बाद एक, बट जिस नंबर की बस में तुमको जाना है वो नहीं आ रही है, और बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, और गर्मी बहुत है, मई जून का महीना है, सूरज एकदम सर के ऊपर है, एकदम सड़क से ऐसे आग जैसी निकल रही गर्मी, गर्मी के मारे हालत खराब, पसीना आ रहा तुमको बहुत तेज, और प्यास लगी, बहुत ज़ोर से प्यास लगी, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो तुम इधर उधर देखते हो पानी के लिए, पानी के लिए इधर उधर देखा तो कुछ नज़र नहीं आया, फिर देखा कि सामने एक दुकान है, वहाँ पानी मिल रहा है, पानी की बोतल वहाँ पर मिल जाएगी सामने, तुमने सोचा कि हाँ, तुम्हारे दिमाग में आ चलो यार पानी, बट फिर तुमने सडनली देखा यार दुकान तो सड़क के उस पार है, तो उस पार कैसे जाऊँगा मैं, सड़क क्रॉस करके जाना पड़ेगा, और बीच में डिवाइडर है, तो डिवाइडर को जंप करके जाना पड़ेगा, जंप करके जाता हूँ पानी लेता हूँ, कहीं बस ना चली जाए, तो अब बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें तुमको देखना है, और अभी मुझे ये बताओ कि तुमको कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे दिखाई दे रही है। सर मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, बहुत कड़क धूप है, ऊपर से गर्मी हो रही है बहुत, और बस भी नहीं आ रही है, बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, बस आ रही है तो दूसरे नंबर की आ रही है, 8 नंबर, 16 नंबर, और बहुत प्यास लग रही है सर, और आजू बाजू में सर यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, वहाँ पे दो लड़के खड़े हैं मेरे आजू बाजू में, और प्यास लग रही है मुझे पानी, मतलब बहुत प्यास लग रही है मुझे, और बस भी नहीं आ रही है, और ऊपर से दुकान सड़क के उस पार नज़र आ रही है, अब उधर जाओ तो जाओ कैसे, बीच में डिवाइडर है, अब उसको लेने जाओ तो बस नहीं निकल जाती। तो सर चलो सब कुछ क्लियर दिखाना तुमको, तो अभी जैसे तुमने आँख बंद करके ये नरेशन सुना, उसके बाद विजुलाइज किया, तो चीज़ें क्लियर दिख रही थी माइंड में, क्या क्या दिख रहा था, कैसे कैसे दिख रहा था, हाँ क्या क्या देखा? तो मैंने देखा कि सर मैं खड़ा हूँ बस स्टॉप पे, और मतलब बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, बस ही नहीं आ रही है, बस ही नहीं आ रही, आ रही भी है तो मतलब 8 नंबर 10 नंबर की बस आ रही है, जो मुझे चाहिए वो बस आ ही नहीं रही है, तो यहाँ पे मेरे दो लड़के खड़े हैं यहाँ के बाजू में, यहाँ पे लड़कियाँ खड़ी है कॉलेज की, और प्यास लग रही है, ऊपर से पसीना निकल रहा है, ऊपर से एकदम कड़क धूप आ रही है, और मुझे प्यास लग रही है, दुकान ढूंढ रहा हूँ मैं, दुकान देखी तो सड़क के उस पार, और बीच में डिवाइडर है, अब मैं उसको लेने जाऊँ तो बस निकल जाएगी सर मेरी, तो वही टेंशन में खड़ा हूँ मैं बस का इंतजार करते हुए। हाँ तो क्लियर, जब हम माइंड में सब क्लियर दिख रहा था, और वो दिखता जब क्लियर विजुलाइज होता, धीरे धीरे फीलिंग भी आनी शुरू हो जाती है। हाँ मोहन सिचुएशन ये है कि आप रात में गाड़ी से कहीं जा रहे हो, बिल्कुल अंधेरी रात है और सुनसान रास्ता है, जंगल है, दोनों तरफ जंगल है, घना जंगल है, बीच में सड़क है और सुनसान रास्ता है, कोई गाड़ी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है वहाँ पे। सडनली आपकी गाड़ी बंद हो गई, बंद हो गई तो
आप उतरे गाड़ी से, गाड़ी से उतर के आपने बोनट खोला, बोनट खोला तो जैसे ही बोनट खोला तो बोनट में से धुआं निकल रहा, शायद कुछ स्पार्किंग वगैरह होके कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया उसमें। अब टेंशन, इधर जंगल इधर जंगल, बिल्कुल अंधेरा, और रास्ता ऐसा है कि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई मतलब परिंदा भी नहीं है वहां पे, गाड़ियां आ रही हैं, आप उनको इशारा कर रहे हो हेल्प के लिए, रुकने के लिए, बट वो नहीं रुक रहे हैं क्योंकि उनको भी ये है कि पता नहीं कौन है, क्यों रुक रहा है। इतने में एक बाइक आती, सामने से एक बाइक आ रही है, और उस बाइक को आपने हाथ दिया और उस बाइक वाले ने रोका, बाइक वाले से आपने हेल्प मांगी कि भाई मुझे आप हेल्प कर दो, तो उसने बोला कि सामने उधर पास में कहीं गैरेज है। आपने बोला भाई मैं कैसे जाऊँगा, तो वो बोला कि नहीं वो गैरेज वाला जो है ना वो वहीं गैरेज में ही रहता है, उसका घर वहीं पर है, तो एक काम करो हम आपको छोड़ देते हैं वो गैरेज में, बाद में वो गैरेज में जाके और उसके साथ आप वापस आ जाना, और वो आपको बिठा के गैरेज में लेके गया। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ कि आपको क्या दिख रहा है और कैसे दिख रहा है। सर मैं एकदम अच्छे से एंजॉय करके गाड़ी चला रहा हूँ, और गाड़ी थोड़ी दूर अच्छे से चलाने के बाद चला रहा हूँ मैं, और इस बाजू भी पूरा घना जंगल है, इस बाजू भी घना जंगल है, दोनों तरफ कुछ सुनसान है, कुछ दिख नहीं रहे, और सड़क एकदम सुनसान है, उस सड़क पे मैं अकेला हूँ जा रहा हूँ, कोई है नहीं वहां पे, और फिर चलते चलते अचानक गाड़ी स्लो हो गई मेरी, और मैंने गाड़ी का ब्रेक दबाया और साइड में कर दी, तो देख मैं उतर रहा हूँ, और उतर के मैं आगे आ रहा हूँ, तो देखा तो बोनेट खोल के वहां से धुआं निकल रहा है बहुत, तो मैं एकदम टेंशन में आ गया कि अब मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि मेरे पास, मैं वापस गया अपने ड्राइविंग सीट पे, तो वहां मेरी पानी की बोतल है, वो मैंने उठाई और थोड़ा सा पानी डाल दिया उस पर, तो मैं थोड़ा सा घबरा भी रहा हूँ क्योंकि रात का समय है, कुछ दिख नहीं रहा है, कोई है नहीं, कोई आ भी नहीं रहा है, कोई जा भी नहीं रहा है, पूरे रात के समय में सुनसान जगह पे मैं खड़ा हूँ, और मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो वहाँ से यहाँ से एक फोर व्हीलर आ रही है, मैं उसको इशारा कर रहा हूँ कि रुको, लेकिन वो रुका नहीं और आगे चला गया, तो ऐसे में बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत टेंशन में हूँ, और आगे से यहाँ से एक बाइक वाला हेलमेट पहन के आ रहा है, तो मैं उसको हाथ दिखा रहा हूँ, और फिर मेरा हाथ देखे उसने रोक दिया, तो मैंने उससे बोला कि भैया मेरी गाड़ी खराब हो गई है, अब रात का समय है, तो आपके पहचान में अगर आगे आपको अगर पता होगा कोई गैरेज वाला है तो मुझे बताइए, तो उसने कहा कि ठीक है इस रास्ते पे मैं जाता हूँ, मुझे रास्ता पता है, नोन है मुझे एरिया, तो आगे एक थोड़ा दूर जाने के बाद एक गैरेज है, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ, तो मैंने थोड़ा खुश होके उसके बाइक पे पीछे बैठ गया, तो बाइक वाला मुझे लेके गया, तो थोड़ा दूर जाने के बाद लेफ्ट साइड में मुझे गैरेज दिखा। गैरेज की लाइट जल रही है कि बंद है? लाइट जल रही है। चल रही है। अच्छा, गैरेज में कोई दिखा क्या? अभी कोई नहीं दिखा गैरेज में। गैरेज में दो तीन लड़के काम कर रहे हैं, वो मुझे दिख रहे हैं, और उसने बाइक रुका दी। अच्छा, तो मैं वहां से उतर गया, उतर गया, और उसको मैंने थैंक यू बोल के चेक हैंड करके फिर वो चला गया। हाँ, ओके, चल ठीक है, ठीक है। हाँ, आंखें खोलो। तो जब हम विजुलाइज करते हैं तो चीजें हमें क्लियर दिखनी शुरू होती है, है ना, और उसके हिसाब से फीलिंग्स भी आती है, और अगर हाँ एज एन एक्टर उस चीज़ की काफ़ी अपने को काफ़ी फायदा उससे हो सकता है। इम्पोर्टेंस। चलो ठीक है। हाँ सरकार, चलो हाँ मैं नैरेट करता हूँ, एक मिनट। सिचुएशन ये है कि आप जंगल में जा रहे हो, बहुत घना जंगल है, गहरा जंगल है जिसमें जंगली जानवर हैं बहुत, और आप चले जा रहे हो अपनी मस्ती में, तभी आपको लगता है कि आपके पीछे कुछ है, आपने पलट के देखा तो पीछे शेर है, और शेर ने घात लगाई, वो आपके ऊपर दाव लगा के जंप करने ही वाला है, आप भागे और भाग के अपनी जान बचा के ना एक पेड़ पे चढ़ गए, शेर भी पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा बट शेर चढ़ नहीं पा रहा, आप भाग के ना एक डाली के ऊपर साइड में चले गए काफी बाहर तक, और वो डाली के नीचे नदी बह रही है,
और वो डाली ऊपर नीचे झूलना शुरू हो गई। नीचे नदी बह रही है और नदी में ना दो मगरमच्छ, और वो मगरमच्छ ऊपर आपको देख रहे हैं। एक एक हाथ से एक डाली आपने पकड़ी हुई है, एक पैर आपके डाली पे नीचे टिके हुए हैं। इधर शेर दिख रहा है, शेर बार बार आपको देख रहा है भूखी नज़रों से। इधर दो मगरमच्छ हैं, वो भी बार बार मुंह खोल के आपको देख रहे हैं भूखी नज़रों से। तभी आपके हाथों पे ना कुछ सरसराहट हुई, सरसराहट हुई तो आपने देखा, देखा तो एक सांप जो है आपके हाथों के ऊपर से चला जा रहा है। अब ये सिचुएशन है, अब आपको क्या दिख रहा है, कहां कैसे कैसे दिख रहा है, आपको ये बताना है। सर मैं बहुत घबरा गया, कहां फंस गया। पहले स्टार्टिंग में तो मैं जंगल पहुंच गया, मैं बाकायदा जंगल देख रहा था, जंगल से गुजरता हुआ जा रहा था अपनी मस्ती में। सर पहले तो मुझे अच्छे जानवर दिखे, हिरण वगैरह दिख गई। उसके बाद जब और आगे बढ़ा तो कुछ आवाज आई पीछे से, शेर के दहाड़ने की आवाज। जैसे ही मैं पीछे मुड़के देखा मैं बहुत डर गया, मुझे बाकायदा सर शेर दिख रहा है। मैं मेरा गला सूख रहा था सर, मैं दौड़ के गया, एक पेड़ था वहां पेड़ पे चढ़ गया। क्या था, पेड़ की पतली पतली डालियां हैं और मैं पेड़ की डाली पे खड़ा हुआ हूँ। अब मैं सोचता हूँ नीचे नदी है, नदी में लगे जो, फिर सोचता हूँ नहीं तैरना तो आता है मुझे, तो मैं सोचता हूँ कि हो सके ठीक है मैं नीचे कूद के तैरूंगा आराम से। लेकिन सर मुझे जब नीचे देखता हूँ, देखता हूँ दो मगरमच्छ मुझे दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, मतलब वो बिल्कुल तैयार मुझे खाने के लिए। सर इसी डर के बीच क्या देखता हूँ कि कुछ ऐसा लगा जैसे कोई सांप आ रहा हो मेरे हाथ से रेंगता हुआ, हाथ के ऊपर से। तो मेरी इतनी हालत खराब है, मैं सर कुछ समझ ही नहीं पा रहा मैं क्या करूँ। अगर ये डाल छोड़ दूँ तो नीचे मगरमच्छ खा लेंगे, पेड़ से उतर नहीं सकता और शेर पड़ा, सर काफी डर गया मैं। सब कुछ क्लियर दिख रहा है कहाँ पे क्या है। यस सर। तो मतलब दिखता है, एक एक चीज की पोजीशन दिखती है, जगह दिखती है, एक एक चीज क्लियर दिखती है। और वो क्लियर जब दिखता है तो हमारी फीलिंग्स भी क्रिएट होती हैं। जैसे वो डर लग रहा है, डर लगता है। और धीरे धीरे जब इस चीज को हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो सडनली फीलिंग्स स्विच ओवर होती हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा कि हमने अपने एक्टर्स के साथ ये एक्सरसाइज की, उन लोगों को कुछ सिचुएशंस नैरेट की और उन सिचुएशंस को उन लोगों ने विजुलाइज किया और उन लोगों को एक एक चीज क्लियर दिख रही थी। आपने देखा होगा कि जब वो लोग बता रहे थे तो उनके हाथों के मूवमेंट से ये पता चल रहा था कि उन्हें हर चीज की पोजीशन प्लेसमेंट क्लियर दिख रही है, कहाँ पे क्या है कैसे है। तो ऐसे ही जब हम किसी स्टोरी में या स्क्रिप्ट में किसी सिचुएशन में जब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो हमें चीजें क्लियर दिखने लगती हैं। और एक एक्टर के लिए ये बहुत जरूरी है, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और उसको विजुलाइज करते हैं तो परफॉर्म करने में बहुत आसानी होती है। और ये कहा जाता है कि स्क्रिप्ट को आप सिर्फ पढ़ो मत, उसको देखो, उसको सुनो। और जब आप स्क्रिप्ट को सुनना और देखना शुरू कर देंगे ना तो परफॉर्म करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक एक चीज आपको क्लियर दिखनी शुरू हो जाती है। पढ़ते हैं तो उतना क्लियर समझ में नहीं आता, लेकिन जब उसको हम विजुलाइज करते हैं तो एक एक चीज हमें क्लियर समझ में आती है।